देखें, एक तो गर्मी इतनी ज़्यादा है ना कि मैं आपको बता नहीं सकता। दूसरा, आपका भाई ब्लॉगर, फ़ैन वगैरह ऑफ़ करने पड़ते हैं जब भी मैं ब्लॉग बनाता हूँ, और ये सबसे बड़ा चैलेंज है। खैर, अभी पैकिंग करते हैं क्योंकि 2 घंटे का टाइम है मेरे पास और उसके बाद मुझे जाना है स्टेशन। तो पहले पैकिंग करते हैं, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ क्या सीन रहने वाला है, कहाँ जाने वाले हैं। बैग मेरी यहाँ पे, तो ये कहाँ पहले निपटाते हैं, और बाकी ये ब्लॉग मेरे यूजुअल ब्लॉग से थोड़ी लंबी रहेगी। डन हो चुका है और सारे कपड़े वगैरह मैंने पैक कर लिए। फॉर्मल पैंट्स की मुझे ज़रूरत थी बट वो मुझे मिला नहीं, तो ये एक समस्या हो गई है, बट खैर एडजस्ट कर लेंगे। जीन्स पहन लेंगे, अब तो खैर कौन ही क्या ही बोलने वाला है, थोड़ा ऑकवर्ड फील होगा बट मेरा काम एक छोटी ट्रॉली बैग में बड़े आसानी के साथ हो जाता है। बट मुझे ये वाला बैग भी कैरी करना पड़ेगा बिकॉज मेरे सारे कैमरा गियर्स और इक्विपमेंट इसमें ही जाने वाले हैं। तो अभी से 1 घंटे में मेरी ट्रेन है, मुझे जाना है हटिया स्टेशन, तपस्विनी एक्सप्रेस पकड़नी है क्योंकि आई एम गोइंग टू भुवनेश्वर। भुवनेश्वर क्यों जा रहे हैं वो मैं आपको बताता हूँ। तो कल है हमारे कॉलेज में कॉन्वोकेशन। आपके भाई ने MBA करा था, 1 साल पहले मैं पास आउट हो गया था, फिर मैंने जॉब करी और अब वक्त आ चुका है डिग्री लेने का। तो कल है कॉन्वोकेशन सेरेमनी IMI भुवनेश्वर में, सो आई विल बी ट्रैवलिंग देयर। कल 11 बजे से इवेंट है, आज मैं निकलूँगा 4 बजे, मेरी ट्रेन है, और कल अर्ली मॉर्निंग 4:30-5 बजे मैं पहुँच जाऊँगा भुवनेश्वर। तो ऐसा कुछ प्लान रहने वाला है। तो पुराने दिन फिर से जीने का वक्त आ चुका है, मतलब पुरानी जगह, पुराने दोस्त और पुरानी मेमोरीज़ को रिकॉल करेंगे। एक दिन के लिए सही, मैं 1 दिन के लिए भुवनेश्वर जा रहा हूँ बट मज़ा आने वाला है। तो अभी फटाफट से मैं निकलता हूँ, लंच मुझे करना है और फिर स्टेशन पहुँच के मिलते हैं आपसे। ऑल राइट बॉयज़ एंड गर्ल्स, तो इससे भाई यार ट्रेन जर्नी मैंने अभी तक नहीं की थी, 4.5 घंटे ट्रेन हमारी लेट थी, बट खैर भुवनेश्वर पहुंच चुके हैं, माय सेकंड होम। लाइफ के 5 साल, बहुत बेहतरीन 5 साल यहाँ मैंने बिताए हैं, और अभी कैब बुक करते हैं। ऑलरेडी आई एम वेरी लेट, 11 बजे से फंक्शन स्टार्ट है, इट्स ऑलमोस्ट 8:30 राइट नाउ। मेरे को भी IMI पहुँचने में भी कुछ 1 घंटे के आसपास लगेगा, एंड लेट्स सी कब तक पहुँचते हैं। इरिटेटेड फील कर रहा हूँ बिकॉज ट्रेन की जो राइट टाइम थी वो थी 4:30 बजे की, बट अभी बज चुके हैं ऑलमोस्ट 8:30। 4 घंटे सुबह से मैं वेट कर रहा था कि अब पहुँचेंगे अब पहुँचेंगे, और जब मुझे लग रहा था कि चलो अभी ट्रेन ने स्पीड पकड़ ली, बस उसी मोमेंट पे ट्रेन रुक जा रही थी। खैर कोई बात नहीं, कुछ कर नहीं सकते, थिंग्स वर नॉट इन माई कंट्रोल। ठीक है, ऑल राइट, सो हॉस्टल पहुँच गए। टॉम फर्स्ट पर्सन आई मेट व्हेन आई जॉइन दिस कॉलेज, एंड ऑल्सो ऑन द लास्ट डे, लाइक वेरी लास्ट डे कॉन्वोकेशन के वक्त ही इज़ हेयर। पहचान भी होगी कुछ लोग आते थे। ऑलराइट बॉयज़ एंड गर्ल्स, तो अभी हॉस्टल के अंदर आया, सबसे पहले मेस में मैंने स्टेप रखा और सारे दोस्तों से मिलकर ना, मतलब बाप रे बाप, अभी कमरे में आ गए। लकीली इवेंट, आई मीन जो रिहर्सल का इवेंट जिसके बारे में आपको बता रहा था, वो थोड़ा सा डिले हो गया, फटाफट से मुझे चेंज करना है। इनफैक्ट चेंज नहीं करूँगा, सिर्फ बैग रखने आया था मैं, बाकी टॉम मेरे साथ यहाँ बैठा है। वी विल हैव अ ग्रुप फोटोग्राफ, फिर वहाँ सब लोग पोजिशन स्टार्ट होगा टूवर्ड्स ऑडिटोरियम, फिर वहाँ पे अवार्ड एंड देन एंड ऑफ द कॉन्वोकेशन हमारा पहला। तो अभी कॉन्वोकेशन का जो भी पूरा प्रोसेस होने वाला है उसका रिहर्सल चल रहा है, सारे लोग यहाँ फोटो शूट के लिए लाइंड अप है, और हमारे सबसे पीछे पैंटम उड़ रहा है भैया। तो अभी एक रिहर्सल वॉक हो रहा है टूवर्ड्स ऑडिटोरियम, जहाँ पे ये पूरा इवेंट होने वाला है। लकीली आई वाज ऑन टाइम, बाकी बैंड बाजा सब कुछ टाइट सीन है। ऑलराइट, तो रिहर्सल जो हमारा होना था ऑडिटोरियम के अंदर वो हो चुका है, काफ़ी अच्छा लग रहा था, बहुत फॉर्मल इवेंट है, एंड इट फील्स रियली गुड कि आज ऑफिशियली हमें हमारी डिग्री मिल जाएगी। चीफ गेस्ट वगैरह के सामने कैसे बिहेव करना है, कब क्लैप करना है कब क्लैप नहीं करनी, ये सारी इन्फॉर्मेशन हमें दी गई, और एक प्रैक्टिस वॉक जो होता है कि जिस तरीके से हम डिग्री लेने के लिए जाएंगे वो सब भी हुआ। बाकी ये आप देख रहे हो मेरे पीछे, यहाँ पे होने वाला है हमारा फोटो शूट। आ जाओ नेहा, हाय, कैसे हैं आप? एकदम बढ़िया, तुम कैसे हो? ऑल गुड, ऑल। हेलो जी, तो नहाना धोना हमारा हो चुका है और अभी बज रहे हैं 10:15। अगले 15 मिनट में मुझे रिपोर्ट करना है CR2। CR2 इज बेसिकली आवर क्लासरूम, और वहाँ पे हमें मिलेगा गाउन और ग्रेजुएशन कैप, तो वो सारी चीज़ें पहन करके हमें रेडी होना, क्योंकि जो हमने रिहर्सल करा था पहले एक फोटोशूट होगी उसी ड्रेस कोड के साथ, और एक वॉक होगी टूवर्ड्स द ऑडिटोरियम जहाँ पे पूरा फंक्शन होने वाला है। तो उसके लिए हमें 10:30 में रिपोर्ट करना है, अटेंडेंस वगैरह वहाँ पे ही हमारी होगी,
और उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि मुझे मेरी साइज की गाउन चाहिए, तो हमें जल्दी पहुँचना है, फटाफट से मैं ब्लॉग कर लेता हूँ। अभी हम जस्ट वेटिंग फॉर शुभम एंड टॉम, वो दोनों रेडी हो जाएंगे तो मैं निकलूँगा। गाइस हम आ गए ऑडिटोरियम में, ये पीछे हमारे सारे लड़के, हमारी फ्रेंड ग्रुप, और यहाँ पे सारे लड़के रेडी हो चुके हैं। बड़ी हैरी पॉटर वाली फीलिंग आ रही है कतई। एंड दिस इज सेवेरस स्नेप, प्रोफेसर स्नेप फ्रॉम टीम स्लिदरिन। कम ऑन बॉयज, कम ऑन। एंड ही इज द टीम, ही इज फ्रॉम टीम हगलपफ मगलू। आई एम नॉट रियली श्योर कि कैमरा कैरी करना विल बी अलाउड और नॉट, क्योंकि फोन्स भी ऑफ करने को हमें बोला गया, बट हम कुछ ना कुछ जुगाड़ कर लेंगे। बाकी इट्स अ फॉर्मल इवेंट, तो इट्स बेटर कि मैं इसको ऑफ ही कर दूँ, बट जहाँ जहाँ हो पाएगा उसको हम डेफिनेटली कर देंगे। कैसा फील हो रहा है? एनीथिंग? बहुत सही, हैवी हैवी इसका वेट था। कम ऑन बॉयज, कम ऑन, फाइनली दिस इज हैपनिंग। सर, एनीथिंग यू वुड लाइक टू से? सर, मी? यस सर, यू। अरे तुम लोग ग्रेजुएट कर रहे हो, ये मेरे लिए बड़ा बड़ा सरप्राइज है। तो रिहर्सल हो गया, अभी एक्चुअल फोटोशूट होने वाला है। मुझे अपना कैमरा अंदर रखना पड़ेगा, बड़ा रिस्क लेके मैं कैमरा यूज़ कर रहा हूँ। आयुष भाई बड़े मुस्कुरा रहे हो, दिन ही अच्छा है। टोपी कैसा लग रही है? डोल रहा है ये, बड़ा अच्छा। Chairman and Managing Director, Nestle India Limited. That was it for the convocation. जितना हो पाया मैंने शूट किया, और बहुत ही ज़्यादा अच्छी वाली फीलिंग आ रही है, प्राइड वाली फीलिंग आ रही है कि भाई फाइनली पोस्ट ग्रेजुएट हो चुके हैं, और बाकी सारे लोग यहाँ पे सेल्फी सेशन चल रहा है। पास हो गया, फाइनली पास हो गया। हमको तो समझ ही नहीं आ रहा कि हम लोग बैठ के एग्जाम में इतना बकचोदी किए, बिना पढ़ के पास हो गए, कैसे पता नहीं पोस्ट ग्रेजुएट होते, लेकिन हो गए। मैं अभी अपने पिछले फुटेजेस को रिव्यू कर रहा था, और मेरे बालों का कंडीशन देख करके मुझे ही हंसी आ रही थी। ऑल क्रेडिट गोज टू दैट टोपा जो हमने पहना था, उसके वजह से सारा कुछ हो रखा है। बाकी दिस वॉज आवर क्लासरूम, CR2 में से कहते थे, ठीक है, और अहाना एंड टॉम, ठीक है, हम तीनों साथ में बैठते थे। अहाना और मेरा रोल नंबर आसपास था, तो इन्हीं बेंचेस पे बैठ करके हमने जैसे तैसे एग्जाम्स पास किए। कैसे पास किए वो मत पूछना हमसे। यहाँ पे क्या होता था, मैक्सिमम लोग हम लोग आइदर नेक्स्ट पीरियड में असाइनमेंट होने वाला है, असाइनमेंट जमा देने हैं, तो वो हम लोग बैठ के लिखते थे यहाँ बैठ के, ताकि टीचर को पता ना चले कि हम लोग उसी क्लास में तो अटेंडेंस भी दे रहे हैं, उसका बात सुन रहे हैं, नोट्स बना रहे हैं, वो तो खुश हो जाएगा, लेकिन उसको पता नहीं है कि हम लोग असाइनमेंट कर रहे हैं। वो एक बात था, और बात है अटेंडेंस की। ये भाई साहब का अटेंडेंस हम लोग कैसे किए थे, आज ये राज खुलने वाला है। ये बंदा कुछ दिन, मतलब ये स्टूडेंट ने, मैं क्लास में नहीं जाऊँगा, इसके लिए कुछ करो, हम लोग का बायोमेट्रिक अटेंडेंस लगते थे। ये बंदा का फेविकॉल से फिंगरप्रिंट बना के, उसका छाप मार के इसका प्रॉक्सी दिए थे। ये यादगार है, और हम लोग यहीं बैठ के वो किए थे, और ये सिर्फ सेक्शन बी जो है सिर्फ वही लोग करते, क्योंकि ये पूरा क्लास जो है ये लोग कोई पढ़ाई नहीं करता है, बस मजे करने आए थे 2 साल, और हंसते हंसते निकल गए। मैं कट कर दूंगा, मुझे ऐसा लग रहा है यार वो नहीं बताना था। तो भाई यार मैं व्लॉग्स बनाने के लिए रांची जाता था, तो टॉम वी यूज़ टू मेक सम फेविकॉल का कुछ तो हम लोग जुगाड़ लगाते थे, मेरा फिंगर प्रिंट लेकर के अटेंडेंस मारते थे, तो वो भी हमने किया। अगर कोई प्रोफेसर देख रहा है सॉरी सर, बाकी इट मेरा कोई रॉन्ग इन्फ्लुएंस करने का मतलब नहीं है, हर बच्चा ये करता है, एंड दिस इज़ हाउ MBA लाइफ गोज ऑन। बाकी यार अभी बड़ी तेज़ भूख लगी, मेरे शर्ट वगैरह पूरे भीग गए यार, क्योंकि वो चोगा हमने पहन रखा था काला रंग का। तो ऐसा कि लंच भी हमारा हो गया, सुबह से मैंने कुछ खाया नहीं था, बड़ी तेज़ भूख लगी थी, और गर्मी से ना जो हालत ख़राब हुई मेरे चेहरे का आप हाल देख सकते हो। प्रोग्राम ऑफिस में बेसिकली हमें अपना ट्रांसक्रिप्ट लेना है, फाइनल मार्कशीट हमें हमारी मिल जाएगी आज। बहुत अच्छा लग रहा है तुम लोगों को देख के एक्चुअली वापस। हाँ जी, तो मार्कशीट लेने आए थे, मार्कशीट हमारी मिल गई, ठीक ठाक नंबरों से हम पास हो गए। पास कैसे हो गए वो एक अलग कहानी है, वो कभी और आपको बताएंगे, बट दिस इज़ हेयर। डिग्री भी मिल गई, मार्कशीट भी मिल गई, अभी जा रहे हैं कमरे में, बिकॉज मेरी थक की हालत ख़राब हो गई है। शाम के ऑलमोस्ट 5:30 बज चुके हैं, मैं 10 से 15 मिनट पहले सोकर उठा हूँ, क्योंकि मेरे कमरे में बहुत सारे लड़के एक साथ आ गए, और हंसी मजाक की बातें चल रही, बहुत बढ़िया माहौल सेट हो रखा है, तो मुझे भी उनके पास जाना है, बट मैंने सोचा पहले मैं व्लॉग करके आपको बता देता हूँ कि क्या चल रहा है। लंच जो आज हमें मिला ना बहुत ही ज़्यादा
शानदार था तो दबा के खा लिया। और ये जो नींद मैंने ली मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी क्योंकि कल रात नींद पूरी तरीके से हुई नहीं थी मेरी क्योंकि ट्रेन में ट्रैवल करे थे और अर्ली मॉर्निंग ट्रेन लेट वाला सीन तो मैंने आपको बताया ऑलरेडी, तो उसकी वजह से मैंने नींद लिया। बट अभी थोड़ा फ्रेश फील कर रहा हूँ, अभी लोगों के साथ टाइम स्पेंड करते, बहुत सारी बातें करने को। ऐसा कि कुछ लोग आज रात में निकलने वाले और कुछ लोग कल जाने वाले हैं, हम उनमें से ही हैं, हम भी कल जाने वाले हैं। कल रात में मेरी ट्रेन है तपस्विनी एक्सप्रेस अगेन, आई होप इस बार लेट ना हो वरना मेरा परसों का दिन पूरा बर्बाद जाएगा। और वेब सीरीज़ की शूट का भी टाइम नज़दीक आने वाला है, अभी तो वर्कशॉप वगैरह चल रहा है तो वहाँ की चीज़ों को भी लाइनअप करना है। बड़ी मुश्किल से ये स्केड्यूल मुझे मिला कि मैं आ जाऊँ क्योंकि काम बहुत सारे पेंडिंग है, पूरी टीम को वेट करना पड़ रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ मी, जो कि मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। बट क्योंकि ये वंस इन अ लाइफ टाइम वाला ओकेजन है तो इसको मिस करना मैं अफोर्ड नहीं कर सकता, दैट इज़ द रीज़न आई एम हेयर। बाकी काम तो वहाँ भी हम मैनेज कर ही लेंगे समहाउ। बाकी इस वाले ब्लॉग के लिए गाइस बस इतना ही रखते हैं क्योंकि कैमरा लेने के बाद सबके साथ मैं अच्छे से टाइम स्पेंड नहीं कर पा रहा हूँ। आई होप यू अंडरस्टैंड दैट। ये ब्लॉग ठीक ठाक लेंथ की बन गई होगी, आई होप यू एंजॉयड इट। अगर आपको ये ब्लॉग पसंद आया तो मेक श्योर आप लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दो मेरे चैनल को अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हो। प्लीज़ सब्सक्राइबर काउंट की हमें बहुत ज़रूरत है, बहुत सारे व्यूअर्स हैं जो कि मेरे चैनल पर रेगुलरली विजिट करते बैठे हैं और नॉट सब्सक्राइबिंग। प्लीज़ डू कंसिडर सब्सक्राइब माई चैनल इफ़ यू एंजॉय माई कॉन्टेंट एंड जस्ट टू शो योर सपोर्ट। एंड दैट्स इट फॉर दिस ब्लॉग गाइस, मैं मिलता हूँ आपसे अगले ब्लॉग में बहुत जल्दी। तब तक के लिए डू व्हाट यू लव, लव व्हाट यू डू। बाय बाय।